हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग। इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो सिंगापुर एयरलाइंस A350 की जर्नी फ्रॉम सोल टू सिंगापुर। तो अभी मैं आया हूँ मियोंगडोंग। आई हैव शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी कर लें। शॉपिंग करी मैंने एंड आपको पता ही है कोरिया इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स कॉस्मेटिक्स। अपनी बहन के लिए और अपने कुछ खास दोस्तों के लिए कुछ सामान तो ले ही लेना चाहिए। जो जो मैं लेता जाऊँगा बताता जाऊँगा। तो अभी मैं आया हूँ नाइक शोरूम, 3rd फ्लोर पे था मेन कलेक्शन। सो मुझे पर्सनली ये बहुत मस्त लगा। देखते हैं भाई, और भी स्किन केयर खरीदा है मैंने गाइस। तो मुझे एक शूज़ भी पसंद आया नाइकी का, बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार अभी तो ना खरीदें। तो ये ऑलिव एंड यंग बहुत फेमस है पूरे कोरिया में। इसे और भी शॉपिंग की है मैंने, ये लगभग मैंने की है 74,000 won की, लगभग 4,800 रुपये की। मतलब मैं जाके बस बोल रहा हूँ कि जो भी भाई बेस्ट है वो दे दो, तो अपने हिसाब से मुझे दे देते हैं। अभी तक लगभग 1.5 लाख won तक की शॉपिंग कर चुका हूँ शायद अभी तक। अभी और भी करनी है, अपनी मैं नहीं कर रहा, दूसरों की कर रहा हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में दूसरों के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए। और हाँ, मेन मम्मी के लिए मुझे कॉस्मेटिक वगैरह लेना था, तो मैंने मम्मी के लिए लिया है काफ़ी कॉस्मेटिक अच्छा खासा। तो गाइज़, मैंने बताया कि मैंने कॉस्मेटिक ले लिया है, तो भाई मतलब सामने से गालियाँ खाई थोड़ी, क्योंकि कहते हैं कि भाई तुम्हें तो शॉपिंग करनी नहीं आती, ये नहीं आता वो नहीं आता। भाई नहीं आती तो थोड़ी ना मैंने शॉपिंग की ट्रेनिंग लेके रखी है। हेडफोन्स लेने हैं ना, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मैं हूँ अभी लॉटे डिपार्टमेंटल स्टोर में, सोनी में मुझे हेडफोन चाहिए एक्चुअली। ये रे भाई सोनी के प्रोडक्ट्स। मेरा मन हो रहा था सोनी के हेडफोन लेने का, लेकिन वो कलर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉफ़ी मशीन्स मिल जाएंगी, एक ड्यूटी फ्री भी है फ्लोर लॉटे वर्ल्ड में। ये लॉटे वर्ल्ड क्या जगह है भाई, और ये ड्यूटी फ्री वाला जो एरिया है, मतलब शॉपिंग के लिए तो भाई ये मसीहा है कसम से। अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने होटल, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती ये है कि मैं अपना पासपोर्ट लाना भूल गया। एक्चुअली पासपोर्ट लेकर आओगे तभी आपको ड्यूटी फ्री में आप शॉपिंग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। विदाउट पासपोर्ट आप खरीद तो सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट आपको एयरपोर्ट पर मिलेगा। तो भाई ये काम मुझे करना नहीं है। मैंने डाइसो से गाइस भर भर के सामान लिया है, ये मैं आपको रूम जाके बताऊंगा। डाइसो से शॉपिंग करना और लॉटे डिपार्टमेंट से करना बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो ऑलिव एंड यंग से ना मैंने ये आई क्रीम ली है। अरे भाई साहब, भाई मुझे आ रहा है ये पसंद बहुत ज्यादा, इसमें एक ब्लैक एंड ग्रीन कलर है। ये है हमारा दूसरा दिन, और अभी मैं पी रहा हूँ भाई कॉफ़ी सुबह सुबह की। और आज हम जा रहे हैं अपने शूज़ खरीदने। सोच रहा हूँ, मतलब मैंने हमेशा अपने शूज़ खरीदे हैं अलग अलग कंट्रीज से, सो वाई नॉट यहाँ से क्यों ना खरीदूँ। और आज मेरा आखिरी दिन है इस खूबसूरत जगह में, दिल से मिस करूंगा इस जगह को। ये मैंने मिनी एंड कू से कुछ सॉक्स लिए हैं शिनचैन की। तो कल तक तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं शूज खरीदूं या ना खरीदूं, बट फिर लगा कि यार अब खरीद लेते हैं चलो। तो गाइज हमने ना ये परचेज किए हैं ये शूज भाई, मतलब ना ये शाइन भी करते हैं। ये देखो मैं लाइट पे जाऊंगा ना, देखो शाइन करते हैं। खरीद लिए हमने 12,000 जो वॉन है, मुझे रिफंड मिल जाएगा टैक्स का, ये मुझे एयरपोर्ट पे मिलेगा। शॉपिंग हो गई भाई, और भसड़बाजी थी, कितने वीडियो कॉल किए मैंने, मतलब कंफर्म करने के लिए कि भाई यही लेना है कि नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, दिस इज स्टारफील्ड लाइब्रेरी इन कोक स्मॉल। 600 से भी ज्यादा किताबें हैं इधर, मैगजीन्स हैं, और किताबें नहीं यहाँ पे ई बुक्स भी हैं बेसिकली। तो देखो यहाँ पे बैठ के लोग आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी किताबें हैं, यहाँ पे भी किताबें हैं, ऊपर भी हैं, इधर भी, इधर भी। तो मैं अपने होटल जा रहा था गाइस, ये बिलबोर्ड देखो भाई, 1, 2, 3 भाई आगे भी है भाई, गजब स्काईलाइन लग रही है। ये गैंगनम एरिया ना बहुत कमाल का लगा। तो लगे हाथ, अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये देखो, ये मैंने अभी जीन्स ली है यूनिक्लो से, ये मुझे पड़ी लगभग 3,200 रुपये की। ये ले ली मैंने जीन्स, ये लिया है मैंने शूज अपने लिए, अगर इस पे मैं लाइट मारूंगा तो ये बिल्कुल शाइन करता है। ये देखो ये शूज हैं, ये है लड़कियों वाले सामान, ब्लैक पिंक के बहुत सारे फैंस हैं। ये देखो, और ये भी है पूरा कॉस्मेटिक फेस की क्रीम्स हैं, ये मेरे लिए नहीं है ऑफकोर्स, ये मैंने अपने परिजनों के लिए लिया है। शिनचैन के सॉक्स, शिनचैन के भी बहुत फैंस हैं। ये है आई क्रीम, ये है वर्किंग पैक, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं गाइस जो कि मैंने डाइसो से ली थी। और भी कॉस्मेटिक है कोई, और भी ये टोनर है बेसिकली, ये भी लड़कियां यूज करती हैं। बहुत सारा इसमें टैक्स फ्री वाला माल भी है। ये भी कॉस्मेटिक है, ये भी कॉस्मेटिक है, और ये जो है पता नहीं गाइस, ये देख लो, रीड कर लो, फोन वे कुशन यूज करती है, मतलब इसमें। और बहुत टाइप की मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होंगी, ये देखो इसमें भी, ये कॉसेक्स स्टेशनरी के आइटम्स। टोटल शॉपिंग ये होगा लगभग 7,500-8,000 का, ये है लगभग 15,000 का, ये है शूज आए हैं लगभग 14,000 के, पैंट है 3,000 की, तो लगभग आप कैलकुलेट कर लेना कितना हो गया।
भाई साहब सुबह सुबह उठा मैं, उठते साथ मैंने पूरा अपना सामान समेटा, सारे बिल्स देखे, जितने भी अपने रिफंड वाले बिल्स हैं, टैक्स रिफंड वाले बिल्स, मैंने उसको इसमें डाल दिए हैं, और जितने भी ऑलरेडी रिफंडेड हैं उसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो देखो ये सारा सामान जो है मैंने यहाँ डाला है और कुछ सामान मैंने इसके अंदर डाला है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो पिछले एक हफ्ते में कम से कम एवरेज मैंने 700-800 कैलोरीज बर्न की। तो कार्डियो अपन बाहर कर लेते हैं, कुछ टाइम तो मैं वर्कआउट करने चला गया अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, और कुछ टाइम अपन पुशअप्स कर लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन जिसके पीछे मैं अपने आप को फिट रख पाया इस इंटरनेशनल ट्रिप में भी, इट्स बिकॉज ऑफ प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप हो या डोमेस्टिक ट्रिप हो भाई, मैं अपने साथ ये कैरी करता हूँ, क्योंकि 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है भाई एक स्कूप में। मतलब मुझे जरूरी नहीं है कि मैं प्रोटीन के लिए अलग अलग खाना खाऊं, चीजों को बहुत आसान बना देता है। यू नो, एक स्कूप में सीधा 25 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA है, 4 ग्राम ग्लूटामीन मिल जाता है। बेस्ट पार्ट गाइस, ट्रस्ट की सील है, ठीक है ना, स्कैन करके देख सकते हो, लैब रिपोर्ट आ जाएगी, और अमेजोन फ्लिपकार्ट का तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो कोई दिक्कत है नहीं। इसकी जो एंजाइम टेक्नोलॉजी है ना, बेसिकली वो हर एक बॉडी पार्ट में प्रोटीन को अच्छे से पहुंचाती है। अच्छे से पहुंचाने की वजह से आपकी लीन मसल डेवलपमेंट और मसल मास इंक्रीज होता है। एक स्कूप लेते हैं भाई फटाफट इसका। टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है, बिलीव मी, 7 डिफरेंट फ्लेवर्स में है। रिजल्ट्स आर वेरी जेन्युइन गाइस। अभी अभी तो इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको फैसिलेट किया है बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट। बहुत इजीली मिक्स हो जाता है अगर वर्कआउट करते हो, और अगर खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और खुद को फिट रखना चाहते हो। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर लो प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। अभी ना मैं फिर से आ गया हूँ म्योंगडोंग, यहाँ पे मुझे सूटकेस लेना है लगेज। अभी मैं आ गया हूँ कोकोइची बनिया में, और यहाँ पे ना आपको सेल्फ ऑर्डर करना पड़ता है। ठंड हो चाहे गर्मी हो, आइस हमेशा मिलेगी आपको कोक के साथ। बहुत भूख लगी है, मेरा बेस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है कोकोइची बनिया। तो ये भाई कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, लगभग 3000 INR का मिला है मुझे ये बैग, मतलब सही रेट मिल गया। आ गए हम बस स्टॉप पे, और सामान रहा ये, अब निकल रहे हैं एयरपोर्ट। तो ये आगे हमारी बस, एक घंटे से यही खड़ा था, और ये 20,000 बॉन्ड रखे हैं मैंने। तो भाई ये है हमारी बस, एयरपोर्ट लेमोजीन। तो इन बसेस में ना आपको सीट बेल्ट भी मिल जाती है। बैग तो गया हूँ मैं, और अभी इसमें लगे हैं 19,000 बॉन्ड। तो मुझे लग रहा था कि भाई कैश लेंगे, तो मैं स्पेशली कैश निकालने गया, और यहाँ के ATMs में कैश ट्रांजेक्शन विड्रॉल फीस होती है बहुत ज़्यादा है। मैं निकालने गया स्पेशली, और अब मालूम चला कि इसमें कैश लेते ही नहीं है, डेबिट कार्ड ले। मुझे पता होता तो मैं पहले वाली बस पकड़ लेता। इचियोन एयरपोर्ट, और मेरी फ्लाइट टर्मिनल 1 से है। बेसिकली फ्री शटल भी है टर्मिनल 2 के लिए। क्या बस जर्नी थी, लगभग 1100-1200 रुपए लगे, लेकिन कार्ड से देना पड़ा, कैश मेरे पास ही है। और ये सामान सबसे पहले देते हैं गाइस, ये दोनों बाहर सीधा मुंबई में लूंगा मैं, ये दोनों बैग्स को वाया सिंगापुर, सिंगापुर से मुंबई, मुंबई में लेंगे, पहले इसको देते हैं गाइस। भाई साहब अकेले मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, और काफी सुना है मैंने इचियोन एयरपोर्ट के बारे में, काफी बढ़िया एयरपोर्ट है। तो ये है एयरपोर्ट, काफी बढ़िया। ये हमारी फ्लाइट SQ605 टू सिंगापुर। पहली बार देख रहा हूँ सेल्फ बैग ड्रॉप का ऑप्शन है, जो देख रहे हो ना, मतलब खुद सामान रखो, खुद बोर्डिंग पास लो और निकल लो। भाई ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, सेल्फ चेक इन सुना होगा आप, बट सेल्फ बैगेज ड्रॉप ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। काफी सुंदर एयरपोर्ट है। अपना VAT रिफंड लेना मत भूलना गलती से भी। तो भाई सबसे पहले मैं सामान दूंगा अपना, फिर VAT रिफंड लूंगा, और VAT रिफंड मोस्टली मतलब चेक इन से पहले पहले ही लेना होता है, तो अंदर जाके मतलब मैक्सिमम टाइम्स आपको नहीं मिलेगा। आपने देखा सेल्फ बैगेज ड्रॉप का ऑप्शन तो है इचियोन एयरपोर्ट पे। यहाँ पे सेल्फ टैक्स रिफंड के भी ऑप्शन है, मतलब सेल्फ टैक्स रिफंड। आपने देखा होगा काउंटर्स बने रहते हैं दुबई एयरपोर्ट में, या एक बार मैंने टैक्स रिफंड लिया था बैंकॉक से, तो वहाँ पे भी VAT रिफंड के काउंटर्स होते हैं। भाई यहाँ पे भी टैक्स रिफंड की मशीन है, मैं दिखाता हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया, अब जितनी भी रिसीप्ट है उसको स्कैन करने के लिए बोल रहा है। ये देखो सारे मैंने अपने बिल स्कैन किए, देखो 12,000 जूतों में आना है रिफंड,
3000 सब कुछ वॉन में है, ठीक है ना। कम से कम लोग हैं इस एयरपोर्ट पे, बहुत ही कमाल का लगा फर्स्ट इंप्रेशन। सभी कुछ ऑटोमेटिक है, सारों की मशीन है। तो ये है कुछ फूड कोर्ट का मेन्यू, फूड कोर्ट वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, और ये देखो यहाँ लाइन से हैं। तो गाइज रेस्टोरेंट के रेट्स ना काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट है तो ज़्यादा महंगे, हमारे इंडिया में ना एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट्स ट्रिपल महंगे होते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, जितना बाहर रेट है उतना ही एयरपोर्ट पे है। तो ये कोई कोरियन रेस्टोरेंट है एयरपोर्ट पे, वॉफल क्राउन, भाई क्या बना हुआ है। और देखो वहाँ बैठने की जगह बनी है, आराम से लैंडिंग टेक ऑफ इन्जॉय करो। तो नीचे देख रहे हो ना, वहाँ से सारे डिपार्टिंग गेट्स हैं, और अभी हम ऊपर हैं। बेसिकली अभी हमारा जो है ना चेक इन शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले तो ये दोनों बैग्स देने हैं। सिंगापुर एयरलाइन से ट्रैवल करते हो, 25 किलो कैरी कर सकते हो। ये दोनों होंगे कुछ लगभग 20-25 किलो के तो होंगे आराम से। ये सामान को लेके मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, इतने भारी सामान है ये तो गाइस, मतलब इसमें इतना कॉस्मेटिक भरा है मैं क्या बताऊं। इसमें कुछ स्नैक्स मैंने खरीदे हैं जिसकी अनबॉक्सिंग मैं रील्स में करूंगा, और ये तो अपने साथ रहता ही है। ये रहे 10 सिंगापुरियन डॉलर जो कि मैंने कन्वर्ट कराए हैं। तो सुबह सुबह नाश्ता सिंगापुर में कर लेंगे इन पैसों से, मतलब बहुत तगड़ी क्वालिटी है। या तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं रख लूँ संभाल के एज अ सोवेनियर। फाइनली चेक इन इज डन। इससे स्मूथ इमिग्रेशन मैंने आज तक नहीं देखा भाई। अंदर घुसने से पहले पासपोर्ट स्कैन किया, सिक्योरिटी हुई, सिक्योरिटी होने में मतलब 5 मिनट नहीं लगे, सिर्फ लैपटॉप वैपटॉप निकाला, जूते वूते कुछ नहीं निकाले, उसके बाद इमिग्रेशन गाइस पूरा मशीन में ही हो गया। भाई पासपोर्ट डाला, वेरीफाइड हुआ, फिंगरप्रिंट मैच किया, पूरा मशीन था, मतलब बंदा था ही नहीं। सोचो इमिग्रेशन में बंदा ही नहीं भाई, ऐसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो हाँ बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन था गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ टैक्स रिफंड की तरफ, तो 20,000 वॉन मुझे टैक्स रिफंड मिलना है। 20,000 वॉन हो गए लगभग 1300-1400 रुपये। मैं ना अपना पासपोर्ट अपने हाथ में रखता हूँ, बस एक बार फ्लाइट में बैठ जाऊँगा फिर पासपोर्ट जो है भाई अपन रख देंगे अंदर, क्योंकि अभी लगता रहता है मशीन में। बाहर हमने अपने सारे बिल्स जो थे वो स्कैन कर दिए थे, तो बिल स्कैन करने के बाद उसने सारे बिल्स का जितना भी रिटर्न था पासपोर्ट में अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं पासपोर्ट दिखाऊंगा और मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है, टैक्स रिफंड मशीन से ही हो गया। मतलब जबरदस्त एयरपोर्ट है, सिंगापुर को मानते हैं लोग वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट, नो डाउट है भी, लेकिन भाई ये किसी से कम नहीं है। मैन पावर यूज़ ही नहीं किया है गाइस, सब कुछ मशीनों से है इधर, इमिग्रेशन तक मशीनों से है भाई साहब। और जो मशीन थी ना बेसिकली जिसमें सिक्योरिटी चेक था, वो मशीन भी भाई पूरी ऑटोमेटेड थी। ये आ गया हमारा टैक्स रिफंड लगभग 20,000 वॉन। गेट नंबर 25 पे करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स हैं, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ और ये करेंसी एक्सचेंज करा लूँगा। 20,000 कोरियन वॉन के मैंने 14 डॉलर ले लिए USD, बिल्कुल कड़क नोट है गाइस। मतलब इसको अब मैं इंडिया में एक्सचेंज कराऊंगा, मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो कोरियन वॉन को अगर मैं इंडिया में एक्सचेंज कराता ना, पहली बात तो होते नहीं। अभी USD जो है ना भाई दुनिया में चलते हैं हर जगह, तो मैं इसको एक्सचेंज करा लूँगा, मुझे रेट भी अच्छा मिलेगा। मैंने 5,000 कोरियन वॉन का एक नोट रख लिया है एज अ सोवेनियर, क्योंकि मैं घर पे कलेक्ट करता हूँ, मतलब सारी करेंसीज कलेक्ट करता हूँ। पर ये 3,000 कोरियन वॉन खर्च कर देते हैं बिकॉज यहीं काम आएंगे, क्योंकि अब कहीं और कंट्री में हम कराएंगे एक्सचेंज, तो स्टारबक्स में जाएंगे, उनको बोलेंगे भैया इसका काट लो, बाकी जो एडिशनल कॉफ़ी का प्राइस है वो मैं दे दूंगा। तो कॉफ़ी का प्राइस मतलब एवरेज ना आपको स्टारबक्स में 5,900 वॉन, 6,500 वॉन, इंडिया के हिसाब से लगभग 350-400 रुपये का मिल जाएगा। मतलब इंडिया जितना ही रेट है, हल्का सस्ता है इंडिया से। और यहाँ की कॉफ़ीज़, खाना, बेकरी, मतलब सब में ना शुगर बहुत कम है, ये मैंने एक बहुत नोटिस की है चीज़। यहाँ पे शुगर आपको हर चीज़ में कम मिलेगी। तो एग ड्रॉप करके कोई ब्रांड है, वहाँ से मैंने ये लिया है एग और चीज़ सैंडविच, और 3,000 जो वॉन थे वो यहाँ यूज़ हो गए। बोर्डिंग एरिया की तरफ आ गए, गेट नंबर 30 के सामने, क्योंकि अभी सीट खाली पड़ी है। एक चीज़ अच्छी है कि बीच में डिवाइडर नहीं होता ना, तो आदमी सो सकता है, और हमारा प्लेन आएगा भाई यहाँ पे। तो भाई ये आ गया है हमारा प्लेन, इसी में जाएंगे, ये अभी सिंगापुर से आया है। तो अभी खाली हो रहा है, जो पैसेंजर्स पहुँचे होंगे वो उतर रहे हैं। इसी फ्लाइट में मैं भी आया था सिंगापुर से, और अब वापस सिंगापुर इसी फ्लाइट में जा रहा हूँ। तो बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो बताओ इसी प्लेन में हम आए थे साउथ कोरिया, और इसी से बाहर निकल रहे हैं, फाइनली बोर्डिंग द फ्लाइट। जगह तो याद आएगी वैसे बहुत ज़्यादा, वैसे ये दिन भी आएंगे बिजनेस क्लास वाले, अभी फ़िलहाल चलते हैं इकनॉमी में। तो भाई ये है हमारा प्लेन अगले 6.5 घंटे के लिए। ईयरफोन ना बाहर ही मिल रहे थे, मैं बाहर से उठा के ले आया। ये है हमारी सीट, फिर विंग के ऊपर दे दी भाई ये तो। मुझे लगता है कि विंडो सीट के नाम पे मतलब ये स्कैम ही है, सारी एयरलाइंस में ही होता है। ये है हमारी सीट, फटाफट देखते हैं भाई। ये है ट्रे टेबल,
A350 का, काफ़ी नया एयरक्राफ्ट लग रहा है, अंदर बिल्कुल नई सी खुशबू आ रही है और ये LED तो आपको पता ही है, iPad वाला और भाई ये फ्लाइट है लंबी अच्छी खासी। सिंगापुर में अभी हो रहा है 10:18 और यहाँ इचियोन में है अभी 11:18, तो एक घंटे का फ़र्क है। जब हम सिंगापुर पहुँचेंगे तो हम इंडिया से 2 घंटा आगे रहेंगे, 2.5 घंटा, अभी हम इंडिया से 3.5 घंटा आ गए हैं, तो 1 घंटा पास में चले जाएंगे। ये है बॉटल होल्डर, तो देखो मैं क्या करता हूँ ना, जैसे मैंने अपने एयरपॉड्स निकाल लिए हैं, इनको मैं यहाँ फंसा दूंगा। चार्जर भी निकाल लिया है क्योंकि फ़ोन हो सकता है मुझे चार्ज करना पड़े, अगला वाला व्लॉग भी बनाना है सिंगापुर एयरपोर्ट में, तो ऐसा ना हो मेरी बैटरी ख़त्म हो जाए। ये तो मैंने ले लिया है, ब्लैंकेट्स रखी हुई हैं क्योंकि भाई जम के सब सोने वाले हैं क्योंकि रात की फ़्लाइट है, 5:30 बजे पहुँचेंगे हम सिंगापुर सुबह। इसके अलावा ये पिलोज़ दिए हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी के पिलोज़ हैं और फ़्लाइट में कॉन्फ़िगरेशन 333 का कॉन्फ़िगरेशन है। एक चीज़ बोलूँगा, जैसे A350 में लेग स्पेस ऐसे बढ़िया है, देखो कोई कमी नहीं है लेग स्पेस की, लेकिन जब अगर आप A380 में ट्रैवल करोगे ना, उसके बाद A350 में ट्रैवल करोगे तो आपको लेग स्पेस में बहुत फ़र्क आएगा। ये है मैगजीन होल्डर और ये चीज़ अच्छी है कि अपना एयरपोर्ट में यहाँ डालने वाला हूँ, ये गुच्छे में डाल दिया, लेकिन गाइस भूलना मत कभी नहीं मिलेगा वरना। हाँ, चार्जर और मैंने एयरपोर्ट इसमें डाल दिया, लगेगा तो मैं यूज़ कर लूँगा। और ये है अपना हैंड रेस्ट, सीट की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया, देखो यहाँ पे कुशन वगैरह भी दिए हैं। ऊपर है अपनी रीडिंग लैंप, ये यहाँ से शुरू होंगी और ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है, विंडो सीट वाले के लिए उन्होंने ऑलरेडी इसको एडजस्ट करके रखा है रीडिंग लैंप्स को, तो अंदर आपको घुमाना नहीं पड़ेगा इसको। IFS में बंदे का नाम भी लिखा रहता है कुछ कुछ फ्लाइट्स में, शायद एमिरेट्स में, मतलब हाँ जैसे उसमें लिखा रहेगा वेलकम हरकीरत सिंह ऐसा करके लिखा रहेगा, तो वो भी मतलब मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगता है। देखो बट मीडिया का भी ऑप्शन है, मेन्यू खाने का मेन्यू क्या होगा उसका भी ऑप्शन है। इस वाली फ़्लाइट में ना वेज खाना नहीं मिलेगा आपको, इचियोन से सिंगापुर चिकन ही मिलेगा मैक्स और सिंगापुर मुंबई आपको वेज खाना मिलेगा। बेवरेजेस में क्या क्या है सब बता देगा, रेड वाइन वाइट वाइन, और स्नैक्स में क्या क्या है, पोटैटो चिप्स बिस्किट चॉकलेट बार। मील्स क्या मिलने वाली है हमको, ये देखो मील्स आ गया ना, पैन ग्रिल्ड चिकन और ये डेजर्ट चेरी चॉकलेट केक। ये हमारा फ्लाइट रूट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये फ़्लाइट का जो 90% रूट है ना वो साउथ चाइना सी होके जाता है। अब साउथ चाइना सी से ये देखो ये है साउथ चाइना सी, मतलब बहुत लंबा रास्ता है, तो हम शंघाई के ऊपर से जाएंगे और ये साउथ चाइना सी आपको याद होगा, खैर अगर ये सुन के आपको क्या याद आता है ज़रा कमेंट करके बताओ। पानी मिल जाता है, ये मैंने सिंगापुर एयरलाइंस में ही देखा है, पानी इसमें देते हैं ग्लास में, वैसे तो बॉटल मिलती है। पूरा ये मॉल दिया हुआ है शॉपिंग के लिए, मेरे को तो हंसी आ रही है गाइस, लेता कौन होगा, और भाई इसकी डिलीवरी फीस तो अलग $200 लग जाती होगी। अपना डिवाइस पेयर भी कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट कि मत करना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जा सकती है। मुझे कमेंट आए थे ये कि हरी भाई ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली जाती है, मैं नहीं कर रहा हूँ पेयर, हालांकि ऑप्शन है मिररिंग कर सकते हो, मोबाइल मिररिंग होती है ना। मेन्यू तो बहुत तगड़ा है नो डाउट गाइस, सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रूट जूसेस कॉफ़ी। मेरे बगल वाले पैसेंजर्स ना सिंगापुर स्लिंग पी रहे हैं, तो वो बेसिकली चार्जिंग सॉकेट है, लेकिन जो चार्जिंग सॉकेट्स होते हैं ना ये इंटरनेशनल अडैप्टर में ही चलते हैं, इंटरनेशनल अडैप्टर रखना तो ही चलेगा वो। तो मैंने ले लिया ये रेड वाइन, मेरी फेवरेट है, और एक कंपनी है रेयर। गाइस ये आ चुका है हमारा खाना, मैं देखो दो ऑप्शन थे, एक चिकन का था और एक दूसरे मीट का था, तो दूसरा मीट तो मैं नहीं खाऊंगा। ये है चिकन और ये है सैलेड और ये है कोई डेजर्ट चॉकलेट पुडिंग है कोई, नाम यहाँ पे आ रहा होगा, ये देखो यहाँ पे अगर इसका नाम बताऊँ ना तो इसका नाम है चेरी चॉकलेट क्रम्बल, दिस इज चेरी चॉकलेट क्रम्बल केक एंड दिस इज जीजू प्योर वाटर, जहाँ जिस आइलैंड में हम गए थे
वहाँ का प्योर वाटर है। ये है बन, बहुत सॉफ्ट है, और ये बन ना गरम गरम उन्होंने अलग से दिया है, बेसिकली पैक होके नहीं आया है, ये अलग से दिया है, मतलब काफी फ्रेश काफी गरम लग रहा है ये बन। ये है बेसिकली चिकन और स्वीट पोटैटोस। ये है चिकन विद मैश पोटैटोस, ये स्वीट पोटैटो है बेसिकली, और वेजीज दिए हुए हैं। ट्राई करते हैं, पहले स्वीट पोटैटो ट्राई करते हैं गाइस, और काफी हेल्दी डिश है ये, नो डाउट। कोरिया का ट्रेडिशन ही है, मैक्सिमम डिशेस सारी हेल्दी मिलेंगी आपको कोरिया में। तो ये स्वीट पोटैटो काफी मस्त लग रहा है मुझे, एक बार मैं ट्राई करता हूँ चिकन के साथ, देखते हैं भाई चिकन के साथ कैसा लगेगा। तो बेसिकली जो चिकन हम खा रहे हैं, दिस इज पैन ग्रिल्ड चिकन, कैरेट ग्रीन बीन्स सॉस है ना, ये मस्टर्ड सॉस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ठीक लगा मुझे, मतलब 8/10 दे सकता हूँ, ना खास नहीं लगा। इंडियन टेस्ट नहीं है गाइस, इंडियंस को ना स्वीट चिली पसंद आता, ये स्वीट चिली नहीं है, डिफरेंट टेस्ट है, तो कोरियन टेस्ट ज्यादा है, मतलब ऑथेंटिक है बहुत ज्यादा कोरियन। एज एन इंडियन आपको हो सकता है मे बी उतना ना अच्छा लगे, 8/9 दे सकते हो, इट्स वेरी फ्रेश। हमारी जो टंग होती है ना एज एन इंडियन वो डिफरेंट होती है, ये पोटैटो के साथ मिला के खाओगे ना तो काफी बढ़िया लगेगा, तो पोटैटो के साथ मिला के खाना बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे कैरेट्स हैं, वेजीज हैं, इसको भी मैं खाऊंगा अच्छे से। तो ट्राई करते हैं ये चॉकलेट क्रम्बल केक, दिखने में तो बहुत मस्त लग रहा है और चॉकलेट है, बढ़िया है गाइस। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, मीठा नहीं है ज्यादा, मतलब पूरे कोरिया में अगर आप पेस्ट्री भी लेते हो ना कहीं से भी तो मीठी नहीं होगी ज्यादा। हमारी इंडियन टंग जो है ना हैबिचुअल रहती है ज्यादा मीठा के लिए, इट इज मोर ऑफ हेल्दियर साइड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी प्योर, दिस 10/10 चॉकलेट क्रम्बल केक बहुत बढ़िया है, दिस इज 8, बट वैसे हो सकता है एज अ कोरियन बहुत टेस्टी हो, है तो अच्छा, नो डाउट। ट्राई करते हैं सैलेड, जिसका तो कोई टेस्ट नहीं है वैसा, पिकल्स और ये लेटिस है, बढ़िया है, 8/10 देने लायक। साथ में पानी है और ये बन है जिसको हम बटर के साथ खा सकते हैं, ये कुछ सॉस वगैरह दिए है, दिस इज द ओवरऑल फूड गाइस। यहाँ पे कोई बिस्किट भी दिया है, टेबल वाटर क्रैकर्स, तो बिस्किट भी है ये बेसिकली गाइस। ये चिकन को ना मैश पोटैटो है इसके साथ खाना मेन टेस्ट आएगा, सिर्फ ये खाओगे ना तो टेस्ट नहीं आएगा भाई। सब खाना आना हो गया है और मैंने ये ब्लैंकेट वगैरह निकाल लिया, अब सोऊंगा आराम से, और ये पानी बस मैंने रख लिया अपने पास, बस अभी थोड़ी देर में लाइट वगैरह भी बंद हो जाएगी और सब सो जाएंगे, और अभी 4 घंटे 3 मिनट की फ्लाइट और बची है। दिस इज द वॉशरूम ऑफ E350, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको ना, देखो टूथब्रश भी रखा हुआ, सबसे बेस्ट लगता है मुझे ये, मतलब ये तो मैंने कोई एयरलाइन में नहीं देखा, कतर एयरवेज में भी नहीं था। हैंड लोशन पता, मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है, टूथब्रश भी है। अभी ना मैं सो गया था एक्चुअली, एकदम से मुझे अनईजी लगने लगा, एकदम से पसीने आ गए भाई, पता नहीं क्या था। फिर मैं गया एयर हॉस्टेस के पास, मैंने बोला आई एम फीलिंग अनईजी, फिर उन्होंने पानी दिया, सीट चेंज की मैंने, मैं आयल में आ गया थोड़ी हवा खाने, अभी भी आयल में हूँ, बट बहुत स्ट्रेसफुल था गाइस, बहुत ज़्यादा, शायद मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ, पता नहीं क्या है, बट एकदम से आई फेल्ट अनईजी। वी आर स्टार्टिंग आवर डिसेंट, 30 मिनट बचे हैं फ्लाइट को, लगभग 5 घंटे से ऊपर हम कवर कर चुके हैं। डिसेंट हो गया है शुरू, एक्चुअली खाना खाने के बाद मुझे समझ नहीं आया, मैं सो गया, जैसे ही उठा अलग ही चल रहा था कुछ मेरे साथ। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या तो मुझे कमेंट करके बताओ नहीं, और अभी तक व्लॉग कैसा लगा है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताना। एंड डिसेंड हो गया है शुरू, यहाँ से हमको फिर जाना है यहाँ पे आमची मुंबई। सिंगापुर आ गए फाइनली, और ये मैंने यूज ही नहीं किया, ईयरफोन मैंने यूज ही नहीं किया, बट हाँ तो अगर मैं बिजनेस में ट्रैवल करता तो 65,000 मेरे एक्स्ट्रा लगते, हाँ ऑफर था मेरे पास। फाइनली हम पहुंच गए इस दुनिया के सबसे सबसे लग्जरी एयरपोर्ट पे, शांगी एयरपोर्ट। यहाँ पे कैसा सीन है ना, अगर आपको दूसरे टर्मिनल जाना है तो आप स्काई ट्रेन से जाते हो, हालांकि मेरे केस में बात ऐसी है कि हम टर्मिनल 3 में आए हैं और टर्मिनल 3 से हमारी अगली फ्लाइट है। एनीवे इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, अगला व्लॉग होगा इस एयरपोर्ट का जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, और आई होप आपके लिए व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे पता है थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, और अभी फ्लाइट में मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता,
मतलब एकदम से अनईजी लगने लगा मुझे। कभी कभी होता है गाइज, वही एयर होस्टेस कह रही थी कि आई थिंक यू शुड हैव वाटर एंड यू शुड वॉक, तो वॉक किया मैंने, सब सही हो गया। बट अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे बताना। यहाँ तक अगर ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, अपने कमेंट्स करना कि वीडियो कैसा लगा। एंड ये कोरियन ट्रिप मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा और मैंने बहुत मेहनत की है इस ट्रिप में, अपना 100% दिया है। बाकी अब ऊपर वाले पे है, उसको कितना आपको दिखाना होगा, कितना रिकमेंड करना होगा, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से अब हम अगली कंट्री भी जाएंगे, लेकिन अभी वर्ल्ड कप के बाद। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।